नाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं आधार न्यूज़ हरियाणा और एफएचएल टाइम्स। आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह अब आदमपुर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरने आए हैं और इसी कड़ी में डॉक्टर रजनीश जैन, जो कि महिला विंग आम आदमी पार्टी प्रदेश की स्टेट एडवाइजर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, स्वागत है आपका। जी, तो किस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं आदमपुर में? देखिए, आदमपुर के लोग एक बदलाव चाहते हैं। जो एक परिवारवाद चला आ रहा है यहाँ पे इतने सालों से, और एक परिवार ने कब्जा कर रखा है, तो उस परिवारवाद को यहाँ पे ख़त्म करने की लड़ाई है। और जनता भी यहाँ पे बदलाव चाहती है, पिछले लंबे टाइम से देख रहे हैं। इतने साल कुलदीप बिश्नोई जी के विधायक रहने के बाद भी आदमपुर में विकास बिल्कुल ज़ीरो है। वो अपने हलके में आके अपने लोगों को संभालते तक भी नहीं है, तो आप देखिए जनता का फिर क्या रुझान रहेगा। जनता इस टाइम पे बदलाव चाहती है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये भजनलाल परिवार का गढ़ है और इस गढ़ को, ये गढ़ अभेद है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। और हमारा ही उम्मीदवार, जो कि बीजेपी ने कैंडिडेट क्लियर कर दिया है भव्य बिश्नोई को, कि यही भारी मतों से जीते। ऐसा है, आम आदमी पार्टी गढ़ तोड़ने का ही काम करती है। इसका आपके पास ताजा उदाहरण पंजाब है। पंजाब में बड़े बड़े गढ़, जो बादलगढ़ और इतने बड़े बड़े गढ़ थे, चन्नी साहब, सबको कहते हैं ना धूल चटा दी थी आम आदमी पार्टी ने, वही काम यहाँ पे होने वाला है। तो गढ़ तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी। तो आप किस हलके से बिलोंग करती हैं मैम? मैं जींद से बिलोंग करती हूँ, और जींद हरियाणा का एक जिला है। जी जी। और जींद में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा सिस्टम। मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे जींद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रही हूँ कि हरियाणा की जनता इस टाइम पे बदलाव चाहती है। हरियाणा की जनता इस टाइम पे, जो मौजूदा बीजेपी सरकार है उससे इस टाइम पे हर वर्ग परेशान है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। तो इस टाइम पे आप कब से जुड़े हुए मैम आम आदमी पार्टी से? मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। उससे पहले किसी और पार्टी में? नहीं, बिल्कुल भी। मैंने अपनी जो राजनीतिक करियर की शुरुआत ही आम आदमी पार्टी से की है, क्योंकि मैं शुरू से ही केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित रही हूं। मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूं। तो इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में आप भी? जी, ऐसा है, अगर पार्टी आदेश करेगी, हमारा जो काम है वो हमारे पार्टी को मजबूत करना है, हमारे संगठन को मजबूत करना है। आने वाले समय में पार्टी आदेश करेगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। इतना विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ही ये चुनाव जीतेगी, आदमपुर उपचुनाव? जी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि इस टाइम पे जनता के पास जो एक विकल्प नज़र आ रहा है, जो उनको जनता को एक विश्वास है कि एक विकास जो करवा सकते हैं आदमपुर में, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी करवा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में करवाया, जिस तरह से पंजाब में करवाने लग रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा के लोगों को। कितना क्या नाम, आप किन मुद्दों को लेकर आदमपुर उपचुनाव में जा रहे हैं? देखिए, आम जनता के ही मुद्दे हैं। आप ये देखिए, किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। अगर आप आदमपुर में देखेंगे, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, कहीं से पानी की ढंग से निकासी की व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद स्कूलों का हाल आप देखिए। मोहब्बतपुर ढाणी, जो मोहब्बतपुर के स्कूल के कितने टाइम से धरने पे बैठे हैं, जो हरियाणा सरकार है वो लगातार स्कूल बंद करती जा रही है। और दूसरी तरफ जो हमारे केजरीवाल जी हैं, उनका एक ही नारा है कि शिक्षित होगा देश तभी विकसित होगा देश। धन्यवाद। ये थी डॉक्टर रजनीश जैन, जो कि जींद से हैं और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े जोर से और बड़े प्रचार कर रहे हैं आदमपुर में। मैम, एफएचएल टाइम्स और आधार न्यूज हरियाणा से बात करने के लिए आपका धन्यवाद और चुनाव के लिए शुभकामनाएं। जी, नमस्कार। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।